राज्यसभा सांसद सबके आदरणीय और इस प्रदेश और देश की राजनीति के बहुत समझदार और अनुभवी खिलाड़ी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सबके प्रत्याशी राजनाथ सिंह जी, यादव साहब हमारे वर्तमान विधायक महोदय, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आखिरी दिन का प्रचार का समय है। मैं सारे काम छोड़कर राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ आपसे अपना वोट मांगने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और आप जानते हो ये प्रचार कांग्रेस पार्टी कर रही है सत्ता में आने के लिए नहीं कर रही, लेकिन इस देश में आज एक बेहतर विकल्प की जरूरत है। लगभग दो दशक से भाजपा को यहाँ जनता ने मौका दिया और दो दशकों में जो हालात इस प्रदेश के बने हैं, हमारे किसान और नौजवान के जीवन को बेहतर बनाने का वादा करते थे, आज उन पे क्या बीत रही है। ये हर बार बोलते हैं डबल इंजन डबल इंजन। 10 साल से दिल्ली में सरकार है और लगभग दो दशक से भोपाल में सरकार है। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई नहीं। विदेशों से कालों से वापस लाने वाले थे, बेरोजगारी महंगाई आसमान छू रही है, देश में तनाव पैदा कर दिया, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, आक्रोश पैदा कर जज्बाती मुद्दों पर वोट लेना ये जानते हैं, लेकिन इनकी कोई योजना नहीं है विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए। आप सबको हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताना होगा और ये माहौल पूरे प्रदेश में है। मुझे मध्य प्रदेश के कई जिलों में जाने का मौका मिला, हमारा साथ का राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की है। मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत है कि सरकार हम लोग बनाएंगे और राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है। साथियों, बदलाव की लहर पूरे देश में है, बदलाव की लहर पूरे देश में है। जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है, वही भाषण, वही नारे, वही इश्तेहार, वही झूठ और फरेब की राजनीति। आप इनसे पूछो टमाटर बैंगन सेब फल फूल सब्जी चाय पत्ती चीनी इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप बोलो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। इनके पास ले जाएगी यही एजेंडा है, लोगों का ध्रुवीकरण करो, भावनाओं के साथ खेलो, वोट ले लो और फिर जय राम जी के 5 साल के लिए। लेकिन ये समय जनता का है, आपके सामने बहुत अनुभवी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं और यादव साहब की बिलाद छकी रही और ये दबंग नेता है, आपके साथ मिलकर खड़े रहेंगे जो आज उन्होंने संकल्प लिया है। आप सब जानते हो मेरा आपसे अनुरोध है, ये जाति बिरादरी धर्म समुदाय गोत्र इन सबको भूलकर ये कांग्रेस परिवार सबका परिवार है, 36 कौम की पार्टी है, इन सबको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ से आपके बजाय जीतकर जाएंगे तो मध्य प्रदेश में जो महायज्ञ हो रहा है लोकतंत्र का, उसमें आपकी आहुति पड़ेगी और आपके उम्मीदवार भोपाल जाकर आपकी सेवा का लाल बनेंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आपके सामने है, हम लोगों ने जनता की आवाज बनकर आपके सामने अपना पक्ष रखा है। अगले 5 साल मध्य प्रदेश की क्या दिशा क्या दशा होगी इसका निर्णय आपको करना है। और खास कर मेरे नौजवान साथियों से जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई, आप पहली बार अपने मत का प्रयोग करोगे, आप सब सोचो आकलन करो विचारधारा किसकी बेहतर है, पार्टी किसकी बेहतर है, उम्मीदवार किसका बेहतर है, इतिहास किसका बेहतर है, भविष्य की योजना किसकी बेहतर है। ये आकलन करने के बाद स्पष्ट होगा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से बहुत बेहतर है और छोटे मोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं। कृपया करके अपना वोट जाहिर मत करना, आपकी वोट की गिनती होनी चाहिए, लोकशाही में एक एक वोट की कीमत है, आपके वोट से राज बदलेगा। और मेरा ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जो आज तक हमको बहुमत नहीं मिला उससे ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाएंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ बिराजे हैं, ये पूरे क्षेत्र प्रदेश को जानते हैं, एक एक की नब्ज को पहचान रहे हैं। और आज मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल पहले नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी कितने संसाधन लगा ले, कितने धन बल का प्रयोग कर ले, लेकिन
को हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और यादव साहब आपके बीच में आपके सेवक बनकर काम करेंगे। इस बात को दिग्विजय सिंह जी और मैं आपके बीच कहने आए थे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप सब लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो आगे बढ़ो। लेकिन जाने से पहले क्योंकि यहाँ बाजार में हम लोग खड़े हैं, प्रचार का आखिरी दिन है, सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ खड़े करके हमें आश्वासन